स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पंडित रविशंकर शुक्ल राइट टाउन स्टेडियम को नया स्वरूप प्रदान कर दिया गया है, लेकिन अब भी स्टेडियम में खेल सहित अन्य गतिविधियों पर रोक लगी हुई है, जिसके चलते खिलाड़ी मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर परेशान है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पंडित रविशंकर शुक्ल राइट टाउन स्टेडियम को नया स्वरूप प्रदान किया गया है। यहाँ ट्रैक सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन इन सुविधाओं का लाभ ना तो शहर की जनता को मिल रहा है और ना ही खिलाड़ियों को। स्टेडियम में इवनिंग और मॉर्निंग वॉक करने वाले शहरवासी भी स्टेडियम का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, ऐसे में उनमें रोष व्याप्त है। स्टेडियम में खेल गतिविधियां नहीं होने से खिलाड़ियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आदमी बिगर प्रैक्टिस के, हम लोग सब प्रैक्टिशनर हैं यहाँ पे, मॉर्निंग वॉकर्स हैं, खेल वाले लड़के हैं, बेचारे अपनी तैयारियाँ करते हैं, दो साल से परेशान हो रहे हैं। स्टेडियम बन के तैयार है छः महीने से स्टेडियम बन के तैयार है, परंतु न जाने क्यों, क्या बात है, क्यों प्रैक्टिसनर के लिए स्टेडियम नहीं खोला जाता, आकर क्या मनसा है उच्च अधिकारियों की या जो भी इसमें संबंध रखते हैं। मेरा निवेदन है भाई, सबसे स्टेडियम को खोला जाए सब लोगों को, और एक मिनिमम यदि मेंटेनेंस के लिए तो एक मिनिमम फीस और एक आइडेंटिफिकेशन करके स्टेडियम को चालू किया जाता है। एक दिन आदमी प्रैक्टिस नहीं करता तो परेशान हो जाता है, फिर हम लोग दो साल से भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, सब लोग कोई यहाँ जा रहा है कोई वहाँ जा रहा है, कोई इस प्रकार से बड़ी भारी परेशानी जा रही। सारे नगर के लोग बार बार हम लोगों से पूछते हैं कि भाई स्टेडियम चालू करने में क्या दुविधा आ रही, क्या परेशानी जा रही, वो समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। सबसे पहले ही तो उन बच्चों की समस्याएं हैं जो लगातार अनवरत प्रैक्टिस करते रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस ना होने के कारण वो किसी भी प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले पा रहे हैं, और भाग ले भी रहे हैं तो बहुत उनको उनका कोई नंबर नहीं लग रहा है, किसी भी टूर्नामेंट में वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। और इसके अलावा जितने भी वृद्ध जन हैं जो वॉकिंग करते थे, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है पिछले लगभग 20-22 महीनों से। शहरवासियों और खिलाड़ियों ने स्मार्ट सिटी और शासन प्रशासन से स्टेडियम शुरू करने की मांग की है।